हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे स्काई ड्रैगन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके स्टार्टिंग के हेड से करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह से नेक तक इसकी ड्राइंग बनाइए। उसके बाद आपको इसके माउथ को बनाना है एंड इसे आपको स्माइल करते हुए दिखाना है कुछ इस तरह से। यहाँ बीच में स्माइल की जगह पर मैंने कुछ फेस छोड़ा है, तो यहाँ पर आप उसके टीथ बना दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी ड्राइंग की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये हमने नोज बना दी। अब हम इसकी आइज बनाएंगे एंड इसकी आइज के अंदर ही आप इसके लेंसेज बना दीजिए जो कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो अब आप कुछ इस तरह से दो लाइंस ले जाइए और यहां से हम इसके आगे के पैरों को बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी उंगलियों को बनाइए एंड इस पर आप कुछ इस तरह से नेल्स बना दीजिए एंड इसके थोड़ा साइड में आपको इसका दूसरा पैर भी बनाना है एंड इस पर भी आप नेल्स बना दीजिए। एंड अब आप इसकी टांगों पर कुछ इस तरह से डिजाइंस बना दीजिए। एक्चुअल में स्काई ड्रैगन के पैरों पर कुछ इस तरह के डिजाइंस होते हैं। और अब आप उसकी बॉडी को आगे बढ़ाइए और पीछे के बचे दो पैरों को भी बनाइए। इसी तरह दूसरा पैर भी बनाइए। नेल्स कंप्लीट करने के बाद इस पर भी उसी तरह का डिजाइन बनाइए। तो यहां हमने फीट बना लिए हैं। अब आप उसके गले में जो हमने दो लाइंस लगाई थी उस पर आप कुछ इस तरह से लाइंस लगा दीजिए जिस तरह से स्नेक की बॉडी पर होते हैं ना, उस तरह से। इसे आप आगे बढ़ाइए और इसकी टेल तक आप कुछ इस तरह से एक काइट की शेप बनाइए। इसके अंदर लाइंस बना दीजिए एंड अब हम इसके विंग को बनाएंगे यानी कि इसके पंख को। तो इसके विंग का जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल एक बैट के विंग की तरह होगा, यानी कि जिस तरह से चमगादड़ के विंग होते हैं ना, उसी तरह से। तो ये रहा पहला विंग। इस पर आप एक दूसरी लेयर भी लगा दीजिए एंड इस पर से इस तरह से लाइंस लगा दीजिए एंड इसके फेस से थोड़ा ऊपर से आप इसका दूसरा विंग्स ले जाइए कुछ इस तरह से एंड सेम एज इस पर भी दूसरी लेयर लगा दीजिए। तो अब हमने विंग्स बना दिए हैं। अब आप इसके नेक से लेकर इसकी पूंछ तक इसे ज्वाइन कीजिए एंड अब आपको इसके हेड पर कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से कलंगी होती है, तो आपको भी इस तरह से बनानी है। अब हमारी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। तो इसके लिए आपको ब्लू और ग्रीन कलर की हेल्प लेनी है। जो हमने इसके फीट पर डिजाइन बनाए थे उसे आप ग्रीन कलर की हेल्प से कलर कीजिए। एंड ये जो हमने गले के पास लाइंस लगाई थी ना, इसे भी आपको ग्रीन कलर की हेल्प से कलर करना है। एंड इसकी पूंछ की लास्ट में जो हमने काइट शेप एक बनाई थी उसको आप डार्क ब्लू कलर से कलर कर दीजिए। एंड इसी तरह आप इसकी पूरी बॉडी को कलर कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का यूज कर सकते हो। तो आप भी ड्राइंग को पूरा कर दीजिए। होपफुली आपको ड्राइंग पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।